वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है मीशो लहंगा हॉल। जी हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें जो लहंगा आने वाला है, आप में से ही बहुत सारों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये वाले लहंगे का रिव्यू कीजिए, तो लेके आ गई हूँ फाइनली मैं। और ये वीडियो में टोटल 4 लहंगा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आगे भी ढेर सारे हॉल्स आने वाले हैं, हर टाइप के लहंगा, साड़ी, कुर्ती, कुर्ता सेट, ब्लाउज, सब कुछ आने वाला है मीशो का। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू मीशो डाउनलोड करते हो तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर पे। मीशो डाउनलोड नाउ करके मेरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट रो में ही मिल जाएगी, साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी ताकि वहां से भी आप जाके मीशो को डाउनलोड कर सकते हो। और आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप भेज सकते हो। धीरे धीरे करके सबके जो रिक्वेस्ट है मैं पूरी करती रहूंगी। टाइम लगेगा, आई नो कि आप इतने सारे लोग हैं, बट जब जब पॉसिबल होगा तब तक मैं शेयर करती रहूंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लहंगा लिया है ना, वो इस तरह का है, मरून कलर का, बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे तो पिक में तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा ले ही लेती हूँ, तो इसका रिव्यू शेयर कर दूं ताकि आपको लेना हो तो पता चले कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्कर्ट से इसके स्टार्ट करेंगे। इसके जो है वो प्रोडक्ट्स लिंक्स नहीं होती है, प्रोडक्ट्स कोड्स होते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो साथ ही में मैंने ना पूरा प्लेलिस्ट बनाया मीशो का, हर टाइप के जो जितने अब तक के मीशो के हॉल्स किए ना, सबका लिस्ट प्लेलिस्ट बना दिया है एक में ही। तो वो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप कोई भी कैटेगरी देख सकते हो, लाइक साड़ीज, लहंगा, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, ज्वेलरी, सब कुछ। तो स्कर्ट से स्टार्ट करते हैं। इस तरह का है, सिल्क का शाइन करता है वैसा, वो पागलपुरी वाला नहीं, दूसरा वाला है, सॉफ्ट वाला, मरून कलर का है वेस्ट में। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से थ्रेड वर्क किया गया है, इसकी वेस्ट जो है ना ज्यादा है, डबल एक्सएल तक जाएगी, ट्रिपल एक्सएल तक जाएगी, डबल एक्सएल तक जाएगी ही जाएगी, ट्रिपल एक्सएल का डाउटफुल है, बट डबल एक्सएल तक जाएगी, इतनी वेस्ट मिलती है। सेमी स्टिच है, आपको स्टिच करवाना पड़ेगा, फैब्रिक अच्छा है, सॉफ्ट वाला, वेस्ट में आपको इस तरह की वर्क वगैरह मिल जाती है। फिर धैन पूरा प्लेन मिलेगा आपको, जो स्कर्ट है वो लहंगे का और जैसे पिक में है वैसे ही धैन, नीचे आप जाओगे ना तो नीचे भरा हुआ है, जैसा पिक है वैसे ही है। वैसे तो ये देखिए, वर्क की मैं बात कर रही हूँ, क्वालिटी तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो है वो फर्स्ट कॉपी होती है, बट फर्स्ट कॉपी में भी क्वालिटी अच्छी आती है कभी कभी, तो ये बहुत अच्छा है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गोल्डन एंड सिक्वेंस वर्क मिल जाता है, और यहाँ पे कैनकेन नहीं है, लेकिन ये वाला मटेरियल है ना गाइस, वो हार्ड है, तो आप जब पहनोगे ना तो कैनकेन वाला ही लुक आएगा। तो इस तरह का नीचे का लुक मिलता है, पूरा गोल्डन सिक्वेंस वाला आगे पीछे दोनों तरफ। तो वेस्ट में एक तो ये हो गया, यहाँ पे बेल्ट टाइप का यहाँ पे वर्क मिलता है, देन आपको नीचे जो है वो वर्क मिल जाएगा इस तरह का, अच्छा है, आप ले सकते हो, बहुत ही प्यारा है। इसके साथ जो दुपट्टा आया है वो नेट का मिलता है, मरून कलर का। अगर आप ब्राइडल हो या न्यूली आपका मैरिज हुए हुए, मतलब कि न्यूली आपकी शादी हुई है, फिर भी आप इसको वेयर कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे आपको सेम वही गोल्डन बॉर्डर वाला थ्रेड वर्क वर्क मिल जाता है, जो वेस्ट में मिल रहा था ना स्कर्ट में, वैसा ही। तो इस तरह से चारों तरफ ऐसी बॉर्डर मिल जाएगी, बीच बीच में भी आपको वर्क मिलता है, गोल्डन थ्रेड वर्क है, स्ट्रॉन्ग वर्क है इस तरह का, और नेट अच्छी वाली सॉफ्ट है इस तरह का, पूरा तो दुपट्टा भी भरा हुआ है इस तरह से, चारों तरफ बॉर्डर तो मिली रही है, और बीच में भी आपको इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रहा है, जिससे इसका लुक अच्छा और हैवी आता है। ये देखिए, पूरा तो दुपट्टा भी अच्छा है, स्कर्ट भी अच्छा है, ब्लाउज पीस भी अच्छा है, क्योंकि पूरा भरा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। सेम फैब्रिक का मिल रहा है मरून कलर का, तो ये वाला लहंगा आप ले सकते हो, बहुत प्यारा है। वैसे मरून कलर का सिल्क का जो फैब्रिक लहंगे में स्कर्ट में मिलता है ना, वही ब्लाउज पीस में मिलता है, सॉफ्ट वाला है, चुभेगा नहीं, ये इस तरह का वर्क आपको मिल जाता है ब्लाउज में, जिससे इसका लुक अच्छा आता है, हैवी आता है। और ये देखिए क्लोजअप में, बहुत प्यारा है। ये एक साइड का है, ये ऐसे दिया हुआ है, इतना एक्स्ट्रा कपड़ा भी दिया गया है, और ये एक साइड का है इस तरह का, तो ये के और दूसरी साइड में भी मिलता है, आई थिंक ये स्लीव के लिए मिल रहा है, वो बैक साइड, हाँ स्लीव के लिए मिलेगा आपको, ये स्लीव के लिए मिलता है। ये एक साइड की स्लीव हो गई और ये जो है वो दूसरी साइड की हो गई, तो दोनों स्लीव भी आपकी हैवी हो जाएगी इस तरह से, और फ्रंट भी हैवी हो जाएगी, सिर्फ बैक जो है प्लेन रहेगी, मतलब ब्लाउज भी हैवी मिलता है, दुपट्टे में भी ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, तो बिग थम्स अप है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। धैन मैंने लिया है सिल्क का, बहुत सारों ने बोला था कि बनारसी सिल्क का कीजिए, आगे भी बनारसी सिल्क के आने वाले हैं, वैसे हर टाइप के आते रहेंगे। तो ये इस तरह का है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट है,
लाइट ग्रीन या पिस्ताचियो कलर जो बोलते हैं और लाइट पिंक के कॉम्बिनेशन में मैं पूरा दिखाती हूँ। आई थिंक इसमें ब्लाउज जो है वो फुल स्टिच मिलता है आपको। तो ये स्कर्ट से हम स्टार्ट करते हैं इसके। तो ये सिल्क का है, बनारसी सिल्क का, लाइट ग्रीन कलर का इस तरह का। ये भी सेमी स्टिच है, आपको स्टिच करवाना होगा। ये भी जाएगा डबल एक्सएल तक, तो वहां तक की आपकी वेस्ट है तो आप इसको ले सकते हो। ये देखिए लाइट पिंक एंड लाइट ग्रीन एंड ऑरेंज सब कुछ मिक्स है, बहुत प्यारा लग रहा था पिक में और रियल में भी अच्छा आया है। नीचे जाओगे आप तो नीचे आपको इस तरह का मिलता है, गोल्डन एंड इस तरह की प्रिंट्स वगैरह मिलती है जिससे इसका लुक अच्छा और हैवी आता है। पूरा जो है वो बनारसी सिल्क का है। ये देखिए नीचे आपको इस तरह का मिलेगा, इसमें भी केमिकल नहीं है लेकिन नीचे का जो है ना वो हार्ड है तो इससे इसका लुक अच्छा और हैवी आएगा। अगेन मैं आपको स्कर्ट का पूरा लुक ऊपर से नीचे तक उसका कलर और प्रिंट दिखा देती हूँ ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। ये देखिए ऊपर से नीचे तक, यहां से लेके इस तरह का आएगा तो अच्छा है, बिग थम्स अप है, डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। हाँ ब्लाउज जो है वो स्टिच है जैसा मैंने बताया ना, वैसे ही लाइट पिंक कलर, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ही प्यारा है इस तरह का। लाइट पिंक कलर का सिल्क का आपको जो है स्लीवलेस ब्लाउज मिलता है और फ्रंट साइड में आपको ऐसे पोटली बटन्स वगैरह मिल जाता है। बैक साइड में इसमें हुक मिलते हैं, बैक साइड में आपको ऐसी डोरी भी मिल जाती है। ये फ्रंट साइड है इसकी और ये जो है वो इसकी बैक साइड है, तो बैक साइड में आपको ऐसी डोरी मिलती है बंद करने के लिए इस तरह की, और बैक साइड में हुक मिल जाते हैं। पेरेड ब्लाउज है, सिल्क का सॉफ्ट है और इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारों को डाउट्स होता है कि स्लीव है या नहीं है, वो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, मैं सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ हर हॉल्स में ताकि आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो। तो इसमें स्लीव है ये रही, तो आप स्लीवलेस नहीं पहनते तो स्लीव डलवा सकते हो। फिर आई मार्जिन की बात, बहुत सारों को मार्जिन का भी चाहिए होता है तो यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आधा इंच जितना मार्जिन मिलता है तो थोड़ा सा ओपन कर सकते हो, लाइक कि आपकी एल है और थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो आप एक्सएल तक जाना चाहते हो थोड़ा सा, तो वैसे आधा इंच मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, मतलब कट टू कट नहीं दिया गया है। देन इसके साथ दुपट्टा है, वो भी बहुत प्यारा है, वो भी सिल्क का है, सेम कलर लाइट पिंक कलर का है, जो कलर का ब्लाउज आपको मिल रहा है ना वही कलर का दुपट्टा मिल रहा है। तो ये इस तरह का है लाइट पिंक कलर का, यहाँ पे गोल्डन प्रिंट्स वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे ऐसे टेसल्स है। ये दुपट्टा बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन इसका आप देखोगे तो इसके अंदर का जो प्रिंट है वो सिल्क की वो भी बड़ी अच्छी है। ये देखिए तो इससे इसका लुक अच्छा और हैवी आएगा। इसको आप सेपरेटली भी कभी भी वेयर कर सकते हो, कोई भी और लहंगे के साथ और कुर्ती अनारकली के साथ भी इसको वेयर कर सकते हो। इस तरह का है पूरा, तो अच्छा है, बिग थम्स अप है, डेफिनेटली ये वाला भी ले सकते हो, फर्स्ट वाला भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद है ये वाला येलो एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में इस तरह का। इसके बारे में भी बहुत सारों ने बोला था और ये एक रिक्वेस्ट थी कि इसका कीजिए पिक में, बड़ा ही प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था पिक में वैसे, तो इसीलिए और ये रिक्वेस्ट थी तो ये आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा, ये भी सेमी स्टिच है स्कर्ट, आपको स्टिच करवाना होगा। ये भी डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल तक जाएगा, तो ऊपर से देखते हैं तो लाइट ब्लू कलर जो आता है ना वो कलर में है इस तरह से, और देन एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट होगी वो आएगी ग्रीन एंड लाइट पिंक कलर में, थोड़ी सी गोल्डन वाली एम्ब्रॉयडरी इस तरह से। इसका फैब्रिक जो है सिल्क का शाइन वाला है, सॉफ्ट वाला, भागलपुरी वाला नहीं है, दूसरा वाला है। ये देखिए इस तरह का आएगा, देन गोल्डन बॉर्डर आएगी, देन येलो एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में नीचे बॉर्डर आ जाएगी। तो इस तरह का पूरा है, आगे पीछे दोनों तरफ आपको मिलता है। अगेन मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ स्कर्ट का, तो अच्छा है। प्राइस अगर अफोर्डेबल में मिलता है तो आप ले सकते हो, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, पिक में था वैसा ही है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सारे जो है वो रेप्लिका होते हैं, बट क्वालिटी देखनी है हमें इसकी। ब्लाउज की बात करते हैं तो इस तरह का ब्लाउज आता है नेक में, यहाँ पे आपको गोल्डन एंड ग्रीन एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है इस तरह से, और नीचे भी आपको मिलती है तो इस तरह से आएगा। और स्लीव के लिए यहाँ पे आपको अगेन गोल्डन एंड ग्रीन एम्ब्रॉयडरी मिलती है, एक साइड की स्लीव है, येलो कलर का ब्लाउज मिलता है, सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, और ये दूसरी साइड का है ये वाला। तो दोनों स्लीव एम्ब्रॉयडरी वाली ऐसी आएगी, स्लीव में थोड़ी सी, नेक में इस तरह की आएगी,
इस तरह का ब्लाउज पीस आएगा, ये एक है और दूसरी साइड यानी कि बैक साइड जो है वो प्लेन आएगी, उसके लिए भी ये कपड़ा दिया गया है और सॉफ्ट है, शाइन करता है, सॉफ्ट वाला है, सिल्क वाला नहीं है। उसके साथ जो दुपट्टा आया है वो इस तरह का है, येलो कलर का, ब्राइट लेमन येलो जिसको बोलते हैं वो वाला है, एम्ब्रॉयडरी वाला अच्छा है वैसे। इसका फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट का है, इस तरह की आपको गोल्डन एंड ग्रीन वाली एम्ब्रॉयडरी मिलती है। ये लगाई नहीं गई है बॉर्डर, ये एम्ब्रॉयडरी की गई है वैसे, ऐसे कट कट वाली भी की गई है, ये देखिए। तो इस तरह की बॉर्डर आएगी दुपट्टे में और बीच में आप देखोगे तो आपको पूरे डॉट डॉट वाले गोल्डन एम्ब्रॉयडरी मिलती है और चारों तरफ आपको जो है ना वो ऐसी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी तीनों तरफ दुपट्टे के। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ऐसी उल्टी दी है एक साइड, मतलब ये वाली सीधी साइड रहेगी जब आप वेयर करोगे तब, तो इस तरह से आ जाएगी। तो दुपट्टा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, आपने बोला था तो मैंने रिव्यू किया, आप ले सकते हो। देन है वो ये वाला लहंगा है, इसका मैंने दो बार मैंने रखा ऑर्डर करने का सोचा, देन मैंने रहने दिया क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था पिक में, क्योंकि इसकी रियल इमेज भी थी तो रियल इमेज में भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि देख लेते। नेट का है वैसे और पिंक पीच कलर का है और अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी और रियल में भी अच्छी आई है वैसे। वेस्ट में आपको ऐसे ही सिल्वर कलर की, यहाँ पे आप देख रहे हो वैसे ही सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है और फिर पूरा लहंगा मतलब पूरा स्कर्ट भरा हुआ है एम्ब्रॉयडरी से, इस तरह की लाइट ग्रे टाइप, लाइट ग्रीन है, रेड है, ग्रीन कलर है अगेन इस तरह से और लाइट वेट है, नेट का फैब्रिक है इसका। और नीचे आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको इस तरह की बॉर्डर मिल जाती है वुलन टाइप की, ग्रीन एंड लाइट पिंक कलर में, और नीचे आपको ऐसी रफल जैसी पैटर्न मिलती है। इसके अंदर लाइनिंग है तो आपको लाइनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर का नेट का है तो अंदर लाइनिंग है, बट इसके अंदर कैनगेन वगैरह नहीं है। इसका फ्लेयर अच्छा खासा मीडियम बोल सकते हैं, डबल एक्सल तक जाएगा ये भी, इस तरह का है। अगेन मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ, अच्छा है ये वाला भी। इसकी प्राइस आई थिंक 1500 समथिंग ही थी मुझे याद है तब तक। ब्लाउज पीस की बात करते हैं तो ब्लाउज पीस भी इसमें एम्ब्रॉयडरी वाला मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि प्लेन नहीं है तो लेते हैं, देखते हैं क्वालिटी वगैरह। तो ये ब्लाउज पीस के लिए दिया गया है, ये फ्रंट साइड में आएगा पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला, तो फ्रंट साइड आपकी हैवी हो जाएगी एम्ब्रॉयडरी की वजह से। सिल्क वाला फैब्रिक है, भागलपुरी वाला नहीं है, दूसरा शाइन वाला जो आता है ना वो। तो ये फ्रंट में हैवी हो जाएगा, देन आपको बैक के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा दिया है पूरा प्लेन लाइट पिंक पीच कलर का, इस तरह का जो आप अपने बैक साइड में डलवा सकते हो वो वाला। और दुपट्टा आया है वो इस तरह का है, नेट का है, सेम कलर का है, न्यूड पिंक बोल सकते हैं ना वैसा, या लाइट पिंक जो भी है, पीच कलर बोलते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर बॉर्डर्स में जाती है लीव्स वाली, बीच की नेट जो है वो मीडियम है, इतनी भी सॉफ्ट नहीं है या इतनी भी चुभने वाली नहीं है, तो चारों तरफ आपको ऐसी बॉर्डर मिलती है और बीच में से पूरा जो है ना वो प्लेन मिलता है, ये देखिए बीच में से आपको पूरा प्लेन मिलता है, चारों तरफ इस तरह की बॉर्डर आ जाएगी। तो दुपट्टा ठीक है बट ब्लाउज और स्कर्ट जो है वो अच्छा है। दुपट्टा तो आप मिक्स एंड मैच करके और कोई दुपट्टा भी डाल सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन लहंगा अच्छा है, 1500 अकॉर्डिंग प्राइस में आपको मिलता है तो आप ले सकते हो। तो मैंने टोटल 4 लहंगे दिखाए, आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद आया वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरी सेकंड चैनल और इंस्टा पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप भेज सकते हो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।